हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज चलिए यहाँ पे बनाते हैं चावल और आलू के मज़ेदार सॉफ्ट से यम्मी से पकौड़े। आई होप गाइस आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये थोड़ी रोज से हटके और नई वीडियो है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके की पकौड़े। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप चावल लिया है, इसे डाल देंगी। इसके ऊपर से हमें इसमें पानी डालना है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप ही पानी लिया है। इसे हम 20 मिनट तक भिगा कर रख देंगे। 20 मिनट बाद हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो 20 मिनट हो गए, इसका सारा पानी हमने निकाल लिया और इसे अच्छे से 3-4 पानी के साथ वॉश कर लिया। अब इसे हम एक अलग जार में, मिक्सर जार में इसे डालेंगे। यहाँ पे देखिए, डालने के बाद अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे और हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है बढ़िया सा, अच्छी तरीके से पीस के। तो यहाँ पे देखिए ये कितना बढ़िया सा रेडी है, बिल्कुल भी इसमें बचा नहीं है खड़े खड़े चावल, बिल्कुल बारीक बारीक हमने पीस लिया। अब हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए ऐसे ही होना चाहिए कंसिस्टेंसी। तो इसे हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने पहले से उबले हुए आलू ले रखे हैं 2। इसे हम ऐसे हाथों से हल्का हल्का मैश करते हुए, तोड़ते हुए मिक्सर जार में डालेंगे और ढककर हमें इसका भी बारीक सा पेस्ट तैयार करके रख लेना। यहाँ पे देखिए इसका कैसा स्मूथ सा फ्लफी जैसा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हमने जो चावल का पेस्ट तैयार करके रखा था उसी में हमें इसे ऐड करना है। इसे डाल देंगे इस तरीके से, देखिए थोड़ा स्टिकी भी है ये, इसे हम डाल देंगे। और फिर इससे अब हमें चम्मच से उतना बढ़िया तरीके से नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो हमें हाथों की हेल्प से हाथों को अच्छे से वॉश करके हाथों से ही अच्छे से मिलाना है। देखिए पेट के ये हमने तैयार कर दिया है अच्छे से। अब चलते हैं बाकी ही चीज़ें इसमें डालते हैं, मसाले वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें 3 काट रखी थी बारीक बारीक, इसे डाल देंगी। यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सूखी मिर्ची डाल सकते हैं और सारे मसाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक टोटल यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से अब मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक हमें ऐसे सेट होने के लिए इसे रखना है। अब अलग कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और तेल को हमें गर्म होने देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो आंच को हमें मीडियम फ्लेम पे कर देना है और इसे सारा हमें एक एक करके इसे डाल देना है। और 2 मिनट तक हमें एक साइड पर सिके जाने के बाद हमें इसे दूसरी साइड पर पलटना है, जिससे कि ये दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने देना है। बस अब हमें इसका तेल निकालते हुए सारा अच्छे से छान के हमें अलग बर्तन में इसे निकाल लेना है। तो यस गाइस, मज़ेदार पकौड़े बन के तैयार हैं। आप इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है, अच्छा भी होता है। इसे खाकर बिल्कुल डोसा वाली फीलिंग आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।